22 मार्च 2019 की ये वो दिन है जब मैं पहली बार राज कुंद्रा से मिली थी होटल JW मैरियट में अपने मैनेजर डी के श्रॉफ के साथ। उन्होंने दी शेरलिन चोपड़ा ऐप की चर्चा की, कहा कि उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड दी शेरलिन चोपड़ा ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं। 26 मार्च 2019 के दिन मैं उनके ऑफिस पर गई थी, आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर मैंने उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके कैबिन में। उसी दिन वो मेरे घर पर आते हैं वीडियो कॉन्सेप्ट की चर्चा करने के लिए। 27 मार्च 2019 की रात को वो मेरे घर पर आते हैं मुझे बताए बगैर। उस रात क्या हुआ उनको पता है, क्या हुआ उनको अच्छी तरह पता है। रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा, क्या आपको याद नहीं है 27 मार्च 2019 की रात को आप मेरे घर पर क्यों आए? क्यों आए आप मेरे घर पर? आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आपने क्या किया मेरे साथ? आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आपने मेरे साथ यौन शोषण किया। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है। 29 मार्च 2019 के दिन आपने मुझ पर दबाव बनाया, मेरे साथ शूट किया फोटोग्राफर मुन्ना के स्टूडियो पर। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ। उसके बाद 29 सितंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक राज कुंद्रा, जो कि JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं या डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया। 10 महीने लगातार मुझको चेस करते रहे, प्लीज़ एसोसिएट विद JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड, शिल्पा एंड शमिता और द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ JL स्ट्रीम, इट विल बी अ गुड एसोसिएशन। एंड शिल्पा ने भी कहा कि हाँ हाँ हम जुड़े हैं, इट्स अ वेरी सेफ प्रोपोजिशन, आप जुड़कर देखिए, ये आर्म्स क्राइम जैसा नहीं है, ये साफ सुथरा है, ये अच्छा है, ये वैसा है। कैसा है? यहाँ पर आप फिटनेस वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फाइनली 24 जून 2021 के दिन मैं जाती हूँ राज कुंद्रा के JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर, जो कि है अंधेरी वेस्ट में। वहाँ पर हमारी बातचीत होती है। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं 3 कॉन्सेप्ट वीडियोस से। और हमारे बीच ये बात हुई थी कि हर वीडियो का मुझको 16 लाख रुपए दिया जाएगा। मैंने 3 वीडियोस शूट किए, टोटल बनता है 48 लाख, जिसमें से मुझको आज तक एक पैसा नहीं मिला। मेरा सवाल ये है, लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा के आप उनकी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं करते? आप उनको चूना क्यों लगाते हैं? आप उनको टोपी क्यों पहनाते हैं? क्या ये होता है एथिकल बिजनेस? आपको बिजनेसमैन बनना है, जाइए सीखिए टाटा कैसे बिजनेस करते हैं, एथिक्स के साथ करते हैं, जो वादे करते हैं उन्हें निभाते हैं। आप क्या करते हैं? आप आर्टिस्ट के घर पर जाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं, आर्टिस्ट के घर पर जाकर उसे अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, बोलते हैं यौन शोषण का केस वापस ले वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो एक आध फिल्में तेरे हाथ में हैं वो भी छूट जाएंगी, इस तरह आप बात करते हैं। मैं आज नहीं डरूंगी, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर आई हूँ मैं। मैं नहीं डरूंगी, ना आपसे ना आपके पावर से। क्या क्या कहा था आपने, आपको याद है? आपने बोला कि आपके सर पर किसी बिग बॉस का हाथ है और जब तक उस बिग बॉस का हाथ रहेगा आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसी बातें आपने कही मुझसे। क्या उन्होंने वो बिग बॉस का नाम बताया? नहीं बताया। और उन्होंने अपने सेलफोन पर मुझे रंजीत बिंद्रा का नंबर दिखाया और कहा कि ये डी कंपनी का आदमी है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आज मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी। क्या आपने पुलिस से अपनी सिक्योरिटी के लिए भी मांग की है? मैंने कहा पुलिस से कि मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकती, मैं डर के नहीं जी सकती। तो आपने अभी शिकायत क्या की? मतलब उन्होंने पेमेंट नहीं दी है? बात यहाँ पर सिर्फ पेमेंट की नहीं है, बात सिर्फ पेमेंट की नहीं है, ये जो डर का माहौल बनाकर रखा है, मैं
आई कांट टेक दिस। आपने कहा कि आपने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी शिकायत की है, अब की बार जो आपने शिकायत आ चुकी है उसमें शिल्पा शेट्टी का क्या रोल था? उन्होंने कहा कि जेएल स्ट्रीम इज़ अ वेरी सेफ प्रोपोजिशन एंड यू नो इट्स लाइक अ फैमिली सेटअप, तो देर इज़ नो हार्म, योर करियर विल बी सेफ, यू नो यू कैन जॉइन इट। शिल्पा और शमिता ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो यानी इट्स सेफ, ऐसा कहा। और दबाव में आकर मैंने किया उनके लिए, 3 वीडियोस शूट किए, लेकिन नहीं मालूम था कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले हैं, बात ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आप लोग लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा कर उन्हें ऐसे चूना लगाते रहेंगे? दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। आपको क्या लगता है आप अंडरवर्ल्ड की धमकी देंगे? हम एक बार डरेंगे, दो बार डरेंगे, बार बार नहीं डरेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। खुद को बिजनेसमैन बोलते हैं, इज दिस बिजनेस, इज दिस एथिकल बिजनेस? दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट बिजनेस। एंड वेरी कन्वीनियंटली यू सीम टू फॉरगेट द फैक्ट्स दैट हैड टेकन प्लेस ऑन 27th March 2019। शिल्पा से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन। शिल्पा कहती है, हे शर्लिन, माय हस्बैंड इज नॉट अ शक्ति कपूर। और मन ही मन मैंने बोला, यू आर राइट, ही इज द बाप ऑफ द फिल्मी शक्ति कपूर। थैंक यू।